गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मु अंजुस्मिना नायक एसीपी पंचायत हाई स्कूल गेरिंगकलार विज्ञान शिक्षेत्री तुमको सुंदरगढ़ स्थित वर्चुअल स्टूडियो को स्वागत करुच्ची। आज आम एठारे शक्तिर उत्स चैप्टर प्रश्न प्रश्नगुड़िकर आलोचना करवा परीक्षा जमी पड़ो से अनुसार आम कमी लिखा ताकूर आलोचना करवा आलोचना करने तुम मानक स्मार्टबोर्ड पाख को नहीं चलु शक्तिर उत्स यही चैप्टर आम आलोचना करने पूर्व आम टे जाना जे शक्ति आम क्या कह आम कार्य कर क्षमता को ही शक्ति कही के हिसाब से आम पाई ता उत्स अनुसार आम शक्ति को मुख्यतः दुई भाग विभक्त करथम है नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद एवं नवीकरण योग्य शक्ति उत्स आ गोटे है नवीकरण अजोग्य शक्ति उत्स नवीकरण योग्य शक्ति उत्स जोटा आम नुआ करें जिते व्यवहार कले सारी पारा ना से मानक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद मान सौर मान आम शक्ति उत्स आम सौर शक्ति नाभिकीय शक्ति जैव वस्तुत्व जात शक्ति भूतापज शक्ति जल शक्ति वायु शक्ति समुद्र तरंग जात शक्ति इत्यादि शक्ति सबू हूँ नवीकरण योग्य आम शक्ति उत्स नवीकरण अजोग्य प्राकृतिक मान नवीकरण योग्य शक्ति उत्स गुड़िक है कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि एठारे आम यही चैप्टर में आम कौन कौन दुई मार्किया क्वेश्चन अच्छी कौटा तीन मार्किया क्वेश्चन अच्छी क्यों गुड़िक आमर चार मार्किया क्वेश्चन अच्छी से गुड़िक आलोचना करवा प्रथम आम दुई मार्किया क्वेश्चन आलोचना करवा एठारे प्रथम क्वेश्चन हूँ स्विच गेट रो कार्यकारिता कौन लेख स्विच गेट काम आम क्या कह नदी मुहाण में आम गोटे जलाशय निर्माण करवा एवं जो गेट से लग जाए ताक स्विच गेट कह जाए नदी मुहाण में गोटे गेट लगा जाए था एवं सही गेट को आम स्विच गेट कह जाए एठारे कौन करा जाए उच्च जुआर जिते आसे से गेट को खोली दिया जाए एवं जल प्रवेश कला गेट को बंद कर दि जाए जिते बेले जल प्रवेश कैसे से गेट को आम बंद करद यहाद्वारा जल भंडार सृष्टि कराई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों परिस्थिति रे पवन कल कार्य कर क्यों समय रे आमर पवन कल टी कार्य कर देखा जदि आमर पवन रेग कमिज बा पवन जदि बढ़ीगला कार्य किंतु लेखिबा आम केमती पवन रेग अत्यधिक कमीगले पवन चकी घूर विद्युत जेनेटर चलेबा संभव हो न थाए अति बेगर पवन बढ़िले बात्या पवन चकी तार चापरे भांगी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन ला तीन नंबर क्वेश्चन ढेर किपरी शक्ति संग्रह करा जाए था जुआर परी ढेरे गतिज शक्ति को विनियोग करी शक्ति संग्रह करा जाए था समुद्र उपरी भाग रे प्रबल वायु प्रवाह होबा द्वारा ढेर सृष्टि होइथाय ढेर शक्ति को संग्रह करी टर्बाइन चलाई विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए था देख पिला माने एठारे मु जेंती अमर गुड माने दि मार्किया क्वेश्चन तेणु करें कौन कर गोटे पॉइंट दिटा पॉइंट पॉइंट करें लिखा तामर मार्क्स टी भल आसी था तेणु सब बेले लिखला बेले तुम पॉइंट अनुसार लिख नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीबंध योजनार किपर शक्ति मिली थाए नदी बंध पकाई जलभंडार सृष्टि कराए जल को उच्च पतन रु निम्न पतन को प्रबल बेगर छड़ा जाए था जलर स्रोत द्वारा टर्बाइन को घूरा जाए था सेकेंड पॉइंट आम लिखा टर्बाइन सह आर्मेचर लगी था आर्मेचर जदि घूरला विद्युत शक्ति उत्पादित होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर मग्मा कौन मग्मा जो स्थान मान के स्थान मानक रही थाए से ही स्थान को कौन कह जाए है प्रथम है मग्मा कौन पृथ्वीर गभीरतम स्थान गुड़िक उत्तप्त हो रही थाए एठारे शिला गुड़िक तरली जाए यह कह जाए मग्मा पुणी आम देखिले मग्मा के स्थान मानक रही थाए आम देखिले शिला गुड़िकर गभीरतम स्थान में रही स्थान को कौन कह जाए आम देखिले मग्मा कह जाए से तरल शिला मग्मा जो स्थान मानक रही थाए से ही स्थान को उत्तप्त स्थान बोली कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विभाजन द्वारा उत्पन्न शक्तिर परिमाण किपर निर्णय करी हुए एवं दुईटी नाभिकीय शक्ति केन्द्र नाम लेख आम एठारे देखिबा जे नाभिकीय
नाभिकीय विभाजन द्वारा उत्पन्न शक्तिर परिमाण आमर जने विशिष्ट वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टाइन विश्वविख्यात समीकरण तांकर समीकरण होची E=mc2 E=mc2 द्वारा निर्धारण करा दे थाए एही शक्ति केन्द्र गुड़िक आम देशर महाराष्ट्र तारापुर राजस्थान राणा प्रताप सागर तमिलनाडु कल्पकम एवं उत्तर प्रदेश नारोरा एगुड़िक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय शक्ति कौन के देश में भूतापीय शक्ति व्यवहार अधिक पृथ्वी आभ्यंतर ताप शक्ति को केतेक निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा नियंत्रण कर व्यवहार उपयोगी करा जाय थाय एहाकु भूतापीय शक्ति कहा जाए। न्यूजीलैंड युक्तराष्ट्र अमेरिका रे एही प्रकार शक्तिर व्यवहार बहुल भाव रे थी थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हला नाभिकीय शक्ति कौन एहा केउ प्रणाली रे उपलब्ध होई थाय नाभिकीय विभाजन द्वारा अमर यूरानियम प्लूटोनियम थोरियम परी गुरु परमाणु नाभिकीय विभाजन घटिले यहा लघु नाभिक परिणत हुए एही प्रक्रिया रे प्रचुर परिमाण ताप शक्ति निर्गत हुए एवं यहाकु नाभिकीय शक्ति कहा जाए। एही प्रक्रिया रे एते शक्ति जात हुए जे कोइला रे थिबा कार्बन परमाणु दहन रु जात शक्ति थारु प्राय 10 न्यूटन गुण अधिक आमे जदि कोइला कु जालिबा जति परिमाण शक्ति निर्गत हबो ता थारु 10 न्यूटन गुण अधिक शक्ति हमर नाभिकीय शक्ति रे अछि। नेक्स्ट हला कोक कौन कोक होची हमर कोइलार अंतर्धूम पातन रु कोक मिली थाए अंतर्धूम पातन जदि कहिबा ताहेले कोक मिले एहा धातु निष्कासन एवं स्टील तयारी समय रे ताकु विजारक भाव रे व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर पेट्रोलियम कौन एहा केउ थारु मिली थाए पेट्रोलियम हाइड्रोजन एवं कार्बन रु तयारी अनेक हाइड्रोकार्बन यौगिक जटिल मिश्रण अटे एथिरे किछि परिमाण रे अम्लजान जवेक्षाजान एवं सल्फर युक्त कार्बन यौगिक थाय एहा भूगर्भस्थ सच्छिद्र शिलास्तर मध्य रही थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हला आमर नाभिकीय शक्ति विनियोग दुईटी प्रतिबंधक लेख कौ कौ माने केमती आमर नाभिकीय शक्ति विनियोग करबा पई आमर प्रतिबंधक सृष्टि हुए प्रथम हला परिचालना ठीक उपाय रे जदि न हेला ताहेले तहा जथेष प्रदूषण जात करिथाय प्रदूषण रो संभावना बढ़ी जाय थाय। दुई नंबर हला हमर नाभिकीय शक्ति केन्द्र प्रतिष्ठा रे अधिक खर्च होइथाय नाभिकीय शक्ति केन्द्र जदि आमे स्थापन करिबा खर्च अधिक पुणी गुरु परमाणु गुडीक सहजरे आमर पृथ्वी पृष्ठ रे टिक कम परिमाण रो अछि जहा फलरे कि सहजरे उपलब्ध हुए नाही। नेक्स्ट हला आलोक भोल्टीय प्रभाव कौन एपरी नामकरण तात्पर्य कौन कहीं आलोकीय भोल्टीय प्रभाव कहा जाए। सौर सेल सौर शक्ति सीधासलख विनियोग विद्युत विभ्रांतर सृष्टि कै तेणु यही पद्धति को आलोकीय भोल्टीय प्रभाव कहते भोल्टीय सेल जेपरी विद्युत विभ्रांतर सृष्टि हुए सेपरी एक अर्धपरिवाही तरल अर्धपरिवाही पदार्थ आलोक पड़ी विद्युत विभ्रांतर सृष्टि होतिबारु एही प्रक्रिया रो नामकरण एपरी हेछि हला एटा हला हमर बी मार्क विशिष्ट क्वेश्चन देखिले आमे एथिरे आमे एबे देखिबा 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन 3 मार्क पई आमे 3टी पॉइंट लेखिबा न हेले 6टी पॉइंट लेखिबा हला गोबर गैस को एक उत्कृष्ट जालेनी कहिबा काहे कि आमे गोबर गैस को उत्कृष्ट जालेनी कहिबा कारण गोबर गैस डालिले एथिरे धुआं सृष्टि करे नाही एथिरे पुणी परदीप परिवेश प्रदूषण हेबार आशंका न थाए पुणी देखिबा हा रो दहन द्वारा घर कला हुए नाही हमर धुआं जबले सृष्टि होउनी चक्षु एवं श्वास संपर्कित रोग हेबार आशंका न थाए पुणी देखिबा आमे एही प्रक्रिया रु उत्पन्न गोबर खदारे दुर्गंध हुए नाही पुणी देखिबा आमे सुखिला गोबर छारु जालेनी हिसाब रे प्राय यहा 6 गुण दक्ष बा सब अधिक अटे। नेक्स्ट हला सौर प्रवाह एवं आल्बेडो कौन सौर प्रवाह आमे देखिबा जे सूर्य ठारु महा अमर अनंत आकाश रु जति परिमाण शक्ति विकिरण करूची सूर्य तार
अत्यंत स्वल्प भाग माने आम देखा पचास न्यूत भाग रु भागे आम जी पर सौर शक्ति आसूची तार पचास न्यूत भाग रु भागे पृथ्वी से पड़ी था कहुए सौर प्रवाह है एक निर्दिष्ट परिमाण सौर शक्ति पृथ्वी को मिली थाए जहाँकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर को प्राय दुई कैलोरी मन रख पाए परीक्षा प्राय पड़े तो कौन जे प्रति वर्ग सेंटीमीटर को केते किलोरी सौर शक्ति मिली थाए ताकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर को प्राय दुई कैलोरी यह हूँ एक स्थिरांक स्थिर अनुपात तेणु पुणी आम देखा जे आम आ गोटे क्वेश्चन थी आल्बेडो कौन जो शक्ति पृथ्वी पृष्ठ से पहुंचुची देख जी पर शक्ति पहुंचला तार प्राय अधा पृथ्वी द्वारा अवशोषण होमर अवशोषण एवं अवशिष्ट प्रतिफलन विकृत होमर चली जा महाकाश को चली जाए यही प्रतिफलन को कह जाए आल्बेडो कमर आल्बेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर पवन कल से शक्ति किपर उत्पादित होता है पवन कल सा वायुर गतिज शक्ति को मेसीन लगे आम तार प्रोपेलर घूरू एठार देखा जो पवन रायुर गति जो तार प्रोपेलर घूरे एठार जो तार फैन रो प्रोपेलर गुड़िक अच्छी से प्रोपेलर गुड़िक घूरू एवं वायुर गतिज शक्ति को उपयोग कर जेनेटर चल विद्युत शक्ति उत्पादन कर एही कलर प्राय छ मीटर व्यास विशिष्ट केते गुड़िया प्रोपेलर लगी एगुड़ा हूँ तार प्रोपेलर एवं यार व्यास हूँ प्राय आम देखा छ मीटर एही कल को एक उच्च इस्पात निर्मित टावर उपर रखा जाए उच्च इस्पात निर्मित गोटे टावर उपर रखा जाए वायु प्रवाह जो प्रोपेलर घूरे एवं तत्सहित संयुक्त जेनेटर घूराए तुम एठार देखा जे ये प्रोपेलर घूरला फल घूरू ता कौन कर जेनेटर को घूराए फल विद्युत शक्ति उत्पादित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर है एक उत्तम शक्ति उत्स बोली कहा को कहिबा केउ शक्ति को आम उत्तम शक्ति उत्स बोली कहिबा कौन कौन गुण थिले जो शक्ति प्रति घनफल वस्तुत्व प्रति अधिक कार्य करिपारे ताको आम कहिबा जो शक्ति आम सहजरे उपलब्ध हो पारे सहजरे मिलुथिब आम ताको कहिबा। नेक्स्ट है जो शक्ति सहजरे संरक्षण करे जहाँ को आम ठीक भाव संरक्षण करोपरि कम व्यवसाय होता है कम खर्च पाइपा। नेक्स्ट है भूतापीय शक्ति उपकारिता गुड़िक कौन 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 हम भूतापीय शक्ति उपकारिता प्रथम है यह परिवेश प्रदूषण कै ना दु नंबर है वर्ष को सबू समय संग्रह कर एवं तीन नंबर आम देखा जे अन्य उपाय उत्पादित विद्युत शक्ति उत्पादन खर्च तुलन भूतापीय शक्ति उत्पादित विद्युत शक्ति उत्पादन खर्च कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा जीवाश्म इंधन अपकारिता गुड़िक लेख आम जीवाश्म इंधन जाले जो आम आगर जानी जीवाश्म इंधन कहले आम कोईला एवं पेट्रोलियम को कौ कोईला एवं पेट्रोलियम जलवा द्वारा वायु प्रदूषण हुए आमर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होता है एगुड़िक आम जाइक वायुमंडल मिसे है वायुमंडल मिसी थाए आमर पुणी मेघ आम जो मेघ अच्छी से मिसुची दहन प्रक्रिया निर्गत कार्बन आम जो एक्सर्जन एवं गंधक अक्साइड परवर्त समय जामर मेघ सहित मिसी मेघर या जो पा आमर वर्षा आकार पृथ्वी पृष्ठ को पड़ी ता सहित मिसिकी आमर अम्ल सृष्टि करमर अम्ल परिणत होने कही था अम्ल वृष्टि से ही निर्गत गैस गुड़िक द्वारा वायुमंडल पुणी सबुज कोठरी सृष्टि जो गैस गुड़िक बाहुति ता वायुमंडल सबुज कोठरी आम सृष्टि करबुज कोठरी आम समस्ते जानू काच निर्मित एक घर जहाँ कि आम सूर्यर आम लघु तरंग विशिष्ट सूर्यालोक पशि पारे भितर को किंतु भितर पशिला गुरु तरंग हो जाए जहाँफल कि काच निर्मित घर को भेद कर बाहर को जापे ना जहाँ को कि आम सबुज कोठरी प्रभाव कही था एमती हवा फल पृथ्वी से जो आम कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अत्यधिक हवा फल तार सूर्यरश्मि भितर को प्रवेश करूँ बाहर को जापार ना जहाँफल कि पृथ्वी तापम्रा धीरे धीरे बढ़ी चलती।
नेक्स्ट है आम सामुद्रिक तापज शक्तिर विशेषत्व कौन यह किपर उत्पन्न करुद्रिक तापज शक्ति बर्षर सबु समय उपलब्ध होता है यही पवन रति निर्भर करने को पड़े ना पुणी आम समुद्र पृष्ठभागर जल एवं 2 किलोमीटर गभर जल मध्य तापम्रार पार्थक्य आम 20 डिग्री सेंटीग्रेड हेले पृष्ठ भाग में एमोनिया एवं क्लोरोफ्लोरो कार्बन को बाष्पीभूत करा जाय थाए अमर सेठारे 20 डिग्री जदि तापमात्रा रो प्रभेद हैला ताहेले सेठारे एमोनिया एवं क्लोरोफ्लोरो कार्बन अमर बाष्पीभूत हो पारे एही बाष्प जनरेटर टर्बाइन को घुराई थाए एवं जनरेटर टर्बाइन जते बेले घुरे तते बेले शक्ति उत्पादन होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला अमर नदी बंध योजना कौन यार आवश्यकता देख नदी बंध योजना द्वारा नदी में बंध पक जाए बृहत जल भंडार सृष्टि उच्च पतन रु निम्न पतन को प्रबल बेगर छड़ा जाए से जत जल जलस्रोत टर्बाइन घूरा जाए टर्बाइन घूरिले टर्बाइन सह संयुक्त आमर जेनेटर आर्मेचर घूरे एवं आर्मेचर घूरिले विद्युत शक्ति उत्पन्न हुए जल शक्ति क्षमता अधिक सहजरे अन्य शक्ति रूपांतरित करा जाए केमती आमर पेन स्ट्रोक द्वारा पानी गला एवं पानी जीवा फल जेनेटर तार आर्मेचर घूरला एवं ताहा घूरला फल विद्युत शक्ति उत्पन्न हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नाभिकीय शक्ति विनियोग प्रतिबंधक गुड़िक कौन नाभिकीय शक्ति विनियोग कौन सब प्रतिबंधक रही प्रथम आम देखा जे शक्ति केन्द्र प्रतिष्ठान रे अधिक खर्च हुए जिते नाभिकीय शक्ति आम विनियोग करमर कार्य प्रतिष्ठान करतीष्ठा याधिक खर्च हो पुणी सेठार परेश प्रदूषण संभावना अधिक प्रचुर परिमाण में धूआ निर्गत हुए जहाँफल कि आमर धूआ द्वारा परिवेश प्रदूषण होने प्रक्रिया आवश्यक गुरु परमाणुर सीमित लभ्यता अन्यतम प्रतिबंधक आम पुणी देखा नवीकरण योग्य एवं नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स मध्य पार्थक्य दर्शाओ नवीकरण योग्य शक्ति उत्स आम नवीकरण योग्य शक्ति उत्स गुड़िक प्रथम रु कही शक्ति उत्स रु शक्ति व्यवहार कलापुर पुनर्वार से ही उत्स सृष्टि करी हुए बा नवीकरण संभव हुए माने नुआ करी आमे ताकू तयारी करी पारिबा किंतु नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स को थरे जदि आमे व्यवहार करी सारी देले ताहेले आमे ताकू नुआ करी सृष्टि करी पारिबा संभव नुहे। नेक्स्ट आमे देखिबा जे नवीकरण योग्य शक्ति उत्स रो शक्ति उत्स गुड़िक असरंती जेते व्यवहार कले मध्ये आमे सारी पारिबा नाही किंतु नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स गुड़िक आम जदि व्यवहार प्रचुर परिमाण से गुड़िक कालक्रमे सरीज तेणु यह सरती सीमित अटे। नेक्स्ट आम देखा प्राकृतिक उपाय से समस्त शक्ति उत्स को आम बारंबार शक्ति मिली थाए आम बारंबार बारंबार से शक्ति पाईपर कि शक्ति उत्स गुड़ी बारंबार व्यवहार करी हुए ना अविरत भाव जदि आम व्यवहार करवा समय क्रमे यहाँ शेष हो उदाहरण आम देखा सौर शक्ति जैव वस्तुत्व जात शक्ति जल शक्ति वायु शक्ति नाभिकीय शक्ति भूतापज शक्ति समुद्र तरंग रु जात शक्ति एगुड़िक सब हूँ नवीकरण योग्य शक्ति किंतु नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स हूँ कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि एति पर्यंत आम देखिले 3 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर एवं आम देखा 4 मार्क विशिष्ट लंग क्वेश्चन आम देखा सोलार सेल द्वारा सौर शक्ति रु विद्युत शक्ति आमर सौर सेल बा आमर सोलार सेल रो गठन एवं कार्य पद्धति लिखा आमर क्वेश्चन होची एको सोलार सेल रो गठन एवं कार्य पद्धति लिख आम उत्तर लिखा जे सोलार सेल द्वारा सौर शक्ति को विद्युत शक्ति रे परिणत करा जाए। नेक्स्ट आम देखा जे एथिरे सौर आलोक विनियोग करी विद्युत विभांतर सृष्टि करा जाए तेणु यही पद्धति को आलोक भोल्टीय प्रभाव कहा जाए एठारे आमे देखिबा जे एठारे सौर आलोक विनियोग करी विद्युत विभांतर सृष्टि करा जाउछि तेणु यहाँ आलोकीय भोल्टीय प्रभाव कहा जाए विद्युत विभांतर सृष्टि करने
ଏଥିରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଉପରେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୋଲାର ସେଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ନେଇଛେ କ'ଣ, ଯେ ପି ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ। ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ କହିଲେ କ'ଣ, ପଜିଟିଭ ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ, ଏବଂ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ ଟାଇପ୍ ସିଲିକନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସିଲିକନ ସ୍ଫଟିକରେ ଆର୍ସେନିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଲେ ଏହା ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆର୍ସେନିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସିଲିକନରେ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଲିକନ ହଉଛି ଚତୁର୍ସଂଯୋଜୀ, ଆର୍ସେନିକ ହଉଛି ପଞ୍ଚସଂଯୋଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛେ ଆମର ଚତୁର୍ସଂଯୋଜୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଂଯୋଜୀ ମିଶିକିରି ଆମର ହେଇଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଚାରି ନଅ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆମର ବଳିଯାଉଛି। ସେହି ବଳକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟି ଚାର୍ଜ ବାହକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଆମ ସିଲିକନ ସ୍ଫଟିକରେ ଯଦି ଆମେ ବୋରନ ଖାଦ୍ୟ ମିଶେଇବା, ସିଲିକନରେ ବୋରନ ଖାଦ୍ୟ ମିଶେଇବା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଜାଣିଛୁ ବୋରନ ହଉଛି ତ୍ରିସଂଯୋଜୀ ଏବଂ ସିଲିକନ ହଉଛି ଚତୁର୍ସଂଯୋଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଉଛୁ ତିନି ଏବଂ ଚାରି ମିଶିକି ହେଇଯାଉଛି ସାତ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟିଏ ଆମର ତାକୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏହା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସୋଲାର ସେଲ୍ରେ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନକୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ଉପରେ ଚପା ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନକୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ଉପରେ ତାକୁ ଚପା ଯାଇଥାଏ। ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ଏବଂ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି ସେତିକିବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ଉଭୟ ଅଗ୍ରକୁ ପରିବାହୀ ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଜାତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହା ଏହି ମାନେ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶେଇବା, ଆମର ସବୁ କିଛି କାମ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ମାନେ ସୌରଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। କେମିତି ତାକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା, ସୌରତାପ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଳ ସ୍ରୋତ, ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମ ଶକ୍ତି ଆଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ପୁଣି ଜଳସ୍ରୋତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେତୁ ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହେଇଥାଏ। ଜଳସ୍ରୋତଟା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ନଦୀ ନାଳ ଜଳସ୍ରୋତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ବାୟୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ବାୟୁଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ସେଠାରେ ବାୟୁର ସ୍ରୋତ ଜାତ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷଲତାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ ଯେ ଆମର ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୌର ଶକ୍ତି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂମିକମ୍ପ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ କାଳକ୍ରମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ଗୁଡିକର ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଆଦି ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା ସୌର ଚୁଲାର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଗୋଟେ ସୌର ଚୁଲାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ସୌର ଚୁଲାର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆଧାର ପାତ୍ର, ତାପଶୋଷି ଆଚ୍ଛାଦନ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ଆଧାର ପାତ୍ର,
आधार पत्र जल एवं रंधा द्रव्य रखिबा पई पात्र मान थाए ताकु अधिक ताप अवशोषण पई पात्र रो भीतर एवं बाहर पाख कला रंगर प्रलेप दिया जाय थाए। नेक्स्ट हला तापशोषी आच्छादन आधार पात्र रो भीतर पार्श्वरे कला रंगर प्रलेप दिया जाए कारण यार उपरी भाग को काच फल कर आवृत करा जाय थाए। आमे जे देखिबा एटा आमर जो अछि तार उपरते आमर काचर गोटे ढांकुणी रहिछि आच्छादन रही थाए फलतः पात्र रो भीतर पार्श्वर तापमात्रा वृद्धि पाए तार भीतर रो तापमात्राटा वृद्धि पाए तेणु पात्र द्वारा अवशोषित ताप सहजरे काच आवरण बाहर को जाई पारे नाही। आमे तंकु सबुज घर कोठरी सबुज को माने घर विषय आमे पढ़िले जे काच घोटणी दे भीतर को आलोक पसी पारुछि किंतु बाहर को जाई पारे नाही तेणु सेठारे खाद्य रंधा हे थाय। नेक्स्ट हला प्रतिफलक सूर्य किरण को सीधा किंबा अवतल प्रतिफलक सहायता केन्द्रीभूत कर आधार पात्र मध्य को पका जाय छै। हमें जदि देखिबा ई सूर्य रश्मि को सीधा बा ताकु अवतल प्रतिफलक सहायता केन्द्रीभूत करिकि हम सेई बॉक्स मध्य को आधार पात्र मध्य को पका जाय छै। सूर्य रो आच्छादन अनुसार यहाँ को विभिन्न दिगरे घूरई सूर्य किरण को आधार पात्र उपरे फोकस करा जाय। साधारणतः आलुमिनियम धातु किंबा काचरे एही प्रतिफलक तयारी हेय थाए एवं अधिक प्रतिफलन पई प्रतिफलकर भीतर पृष्ठ को अति मसृण करा जाय थाए। ने आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा गोबर गैस प्लांट रो गठन एवं तार कार्य चित्र सह वर्णना कर। गोटे गोबर गैस प्लांट रे मुख्यतः चारोटी अंश अछि जेंती कि आमर प्रवेश पात्र डाइजेक्टर कूप इस्पात निर्मित डोम एवं निर्गम नली। प्रथमे आमे लेखिबा प्रवेश पात्र एठारे आमे गोबर एवं पानी को 4:5 आयतन अनुपात रे मिसेई भल भावरे फेंटी मंड तयारी करा जाए एवं सेई मंड को आमर प्रवेश पात्र रे आमर भर्ती करा जाए। जेतेले भर्ती करिबा भर्ती करा गले एहा नल भीतर दे डाइजेक्टर कूप मध्य को प्रवेश करे ए नल देकि डाइजेक्टर कूप भीतर को प्रवेश करि थाए। नेक्स्ट हला आमर डाइजेक्टर कूप एही कूपटी रो चारिकांथ इटा एवं सीमेंट रे तयारी सही थाए। एहा प्राय एक तृतीयांश भूमि ऊपर को एक तृतीयांश भूमि ऊपर को रही थाए एवं दुई तृतीयांश भूमि तल को माटी तल को रही थाए। प्रवेश पात्र रु आसीथिबा गोबर एवं पानी रो मिश्रण एही थारे जमा हुए जगारे अमर जमा हेकरी रही थाए। नेक्स्ट आमर हला धातु निर्मित डोम एही डोम इस्पात बा सीमेंट एवं कंक्रीट रे तयारी हेई थाए। एहा कूप को घोड़े संपूर्ण वायुरोधी करिबा द्वारा अम्लजान अनुपस्थिति रे बढ़ी पारुथिबा मिथानोजेन एवं मने रखिबो परीक्षा रे पड़े मिथानोजेन एवं अन्यान्य बैक्टीरिया एही मिश्रण को किण्वन पद्धति द्वारा मिथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजेन एवं हाइड्रोजेन सल्फाइड गैस उत्पन्न करती। एठारे आमर कौन कौन गैस मिलुची मिथेन मिलुची कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची हाइड्रोजेन एवं हाइड्रोजेन सल्फाइड गैस उत्पन्न करि थांती। मिथेन गैस एथिरे आमर शतकड़ा 65-75 भाग थाए। गैस जते बेले निर्गत हैला तार चापरे डोम टिके ऊपर को उठी थाए। आमर एई जो डोम अछि से टिके ऊपर को उठे उठिबा फलरे नेक्स्ट आमर आसी थाए कौन निर्गम नली। जेतेबेले टिके ऊपर को उठी जाए डोम रो जो आम धातु निर्मित डोम टी सही धातव नली मध्य देई गैस रोसेई घर चूला निकट को जाई थाए एवं ताकु आमे नियंत्रित चापरे व्यवहार करि पारिथौ वा जाली थौ। पिला माने एत्ति जेत्ति क्वेश्चन आमे डिस्कशन माने एत्ति जो पाठ पढ़िले से भीतर किसी क्वेश्चन तुमको दिया हिछि एठारे तुम्हें तार उत्तर गुड़िक जानी पारिबो भलिया आशा करूची। प्रथम क्वेश्चन हला निम्नलिखित केउटी नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स आउ थरे कहूँ निम्नलिखित केउटी नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स भूतापज शक्ति सौर शक्ति नाभिकीय शक्ति बा प्राकृतिक गैस कौटा चारोटी आंगुठी देखेछो ना
वेरी गुड वेरी गुड। प्राकृतिक गैस चारोटी आंगुठी देखी सी ता हूँ प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य शक्ति डेफिनेट भाग रु एक भाग पृथ्वी पाई थाए पांच सौ न्यूत पचास न्यूत पांच न्यूत एवं जीरो पॉइंट फाइव पचास न्यूत। वेरी गुड पचास न्यूत। वेरी गुड झील निर्मल मेघ मुक्त आकाश रे प्रतिदिन डेफ किलो वाट आवर बाय आमर मीटर स्क्वायर शक्ति मिली थाए पांच रु सात तीन रु सात चार रु सात वेरी गुड चार रु सात चार रु सात। वेरी गुड चार रु सात। वेरी गुड वेरी गुड। निम्नलिखित डेफ शक्ति उत्सटी सर्वनिम्न परिवेश प्रदूषण करिथाए भूतापज शक्ति सौर शक्ति तापज शक्ति सौर शक्ति न्यूक्लियर शक्ति सौर शक्ति सौर शक्ति सौर शक्ति ऑप्शन डी ऑप्शन डी न्यूक्लियर शक्ति सौर शक्ति इज राइट आंसर। आम पढ़ला पर न्यूक्लियर शक्ति रे परिवेश प्रदूषण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर रंधक क्यों अंश टी सबुज गृह प्रभाव निम्ते दायी काठ निर्मित अंश बी कला रंगर लेप सी काचर घोड़णी आउ डी अवतरण कला रंगर लेप सबुज गृह प्रभाव सबुज गृह प्रभाव भल की क्वेश्चन टा पढ़ एबे कही थी जे सेठारे गोटे किसी जिनस अमर अच्छी काचर घोड़णी। वेरी गुड काचर घोड़णी काचर घोड़णी वेरी गुड। तापज विद्युत केन्द्र रे केउ इंधन टी व्यवहार हुए केउ इंधन व्यवहार हुए जल सूर्यालोक जीवाश्म इंधन बा प्लूटोनियम। तापज विद्युत केन्द्र रे केउ इंधन व्यवहार हुए हेलो हेलो जीवाश्म इंधन। वेरी गुड जीवाश्म इंधन। अम्ल वर्षार कारण हेला डेस्क सूर्य वायुमंडल उत्तप्त करिबा बी जीवाश्म इंधन दहन रु निर्गत अंगार नाइट्रोजेन एवं सल्फर डाइऑक्साइड सी बादल रु घर्षण जनित सी वायुमंडल रे पूर्वरु रही जीवाश्म इंधन रो दहन रु निर्गत अंगार ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी कौन पढ़ी की कुह जीवाश्म इंधन रो दहन रु निर्गत अंगार नाइट्रोजेन और सल्फर रो सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है ना सौर सेल रे सौर शक्ति रो सीधा सड़क विनियोग को कौन कहा जाए सबुज घर प्रभाव आलोक वोल्टेज प्रभाव विद्युत विभांतर विद्युत प्रभाव ऑप्शन बी आलोक वोल्टेज प्रभाव। पवन रेस जाए भारत जर्मानी डेनमार्क फ्रांस पवन रेस जाए भारत जर्मानी डेनमार्क डेनमार्क फ्रांस। वेरी गुड डेनमार्क। वेरी गुड। फ्रांस नदी मुहाण रे जुआर और भट्टा मध्य जलपतन उच्चतार पार्थक्य केते मीटर पंद्रह मीटर बार मीटर तेर मीटर कि चौदह मीटर। फ्रांस नदी मुहाण रे जुआर भट्टा मध्य जलपतन उच्चतार पार्थक्य केते मीटर तेर मीटर केते आउथरे कह कह मीटर वेरी गुड चौदह मीटर मीटर ऑप्शन डी चौदह मीटर। वेरी गुड। सामुद्रिक तापज शक्ति रूपांतरण केन्द्र रे केउ गैस को व्यवहार करा जाय थाए सामुद्रिक तापज शक्ति रूपांतरण केन्द्र रे केउ गैस को व्यवहार करा जाय थाए तरल एमोनिया तरल अम्लजान तरल अंगारकाम्ल किंबा नियन
ଯେ ପଢିଲେ ଆମେ ନା ନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତରଳ ଏମୋନିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଗୋବରରୁ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଲା ପରେ ଏହାର କେତେ ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତିରିଶ ଭାଗ ପଚିଶ ଭାଗ କୋଡ଼ିଏ ଭାଗ ଦଶ ଭାଗ ପଚିଶ ଭାଗ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପଚିଶ ଭାଗ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସିଟ୍ରେ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଚଉରାଳିଶରୁ ଏକସ୍ତର ଶତକଡ଼ା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟାସ୍ 94ରୁ 98 ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଶତକଡ଼ା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 94ରୁ 98 ଶତକଡ଼ା ଭେରି ଗୁଡ୍ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୂତାତ୍ୟ ଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଆଂଶିକ ପାତନରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୂମ ପାତନରୁ ଡେଥ୍ ପିଟ୍ କୋକ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଟ୍ କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୂମ ପାତନରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ ପିଟ୍ କୋକ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଟ୍ କୁହ ତାରି ଏଇଟା କହିକି କୁହ ଅପସନ୍ ଡି ଅପସନ୍ ଡି ନା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସାଇଟ୍ ନୁହଁ ଅପସନ୍ ସି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ନା ପିଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ପିଟ୍ ସବୁ କହି ସାରିଲଣି ଛୁଆ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କାର୍ବନର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରକୁ ତାକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଧୂମ ପାତନ କଲେ ତାହା ମିଳିଥାଏ ଅପସନ୍ ବି କୋକ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍ ବି କୋକ୍ କୋକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ରଖ ତାକୁ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବ ଏବଂ ଭଲ କରିକି ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ଧନ୍ୟବାଦ।